नमस्कार। हमारे देश में जहां नोटबंदी के कारण लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, चलिए आपको जनता के बीच में लेकर चलते हैं तथा उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किन किन कठिनाइयों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। आइए जानते हैं लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। मोदी जी ने जो किया है, ये बहुत साल से काला धन की बात हो रही थी, तो करप्शन भी रुकेगा और टेररिज्म भी कहीं ना कहीं रुकेगा। वैसे तो ये स्टेप अच्छा है, लेकिन इसमें मध्यम लोग जो है ना, उसमें दुकानदार को ज़्यादा मार खानी पड़ेगी। देखिए, जिसके पास तो नौकरी है सरकारी या प्राइवेटाइज है, वो तो बच गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो धोखे में रहेगा दुकानदार को, ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा। थोड़ा सा स्टेप ले, पहले इनको सोचना चाहिए था कि पहले 1000 का नोट बंद करते, फिर उसके 3-4 महीने के बाद स्टेप लेते 500 वाला। जल्दबाजी में उठाया कदम निकलता है। देखिए, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। दिक्कत इस बात की है, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया वो गलत है। हमारे को ये 500 का नोट खुले पैसे लेकर, हमारे से गरीब कहाँ से आएगा? बोला हम क्या करें, हम दिहाड़ी करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते, कहाँ जाएंगे हम? सरकार क्या कहे, हम क्या कह सकते हैं सरकार के बारे? वैसे सरकार अपनी मर्जी कर रही है, आगे कोई वोट नहीं डालेगा कोई, आगे आगे सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे जैसे हालात है। तो संजीव कुमार है जो इंडिया की ग्रोथ की तरफ है, और मुझे लगता है मोदी जी ने ये स्टेप लेने में टाइम नहीं लगाया, जिससे कई लोग कह रहे हैं कि टाइम लगा है। तो देखो, बहुत अच्छा है उनका, पर उनके साथ देखना चाहिए कि उनके साथ जो अलग कॉमोडिटीज है, जैसे गोल्ड है, उसका रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। कल तक जो चीज़ 27,000 या 28,000 के आसपास थी, अब उसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए था। अदरवाइज़ ये बहुत एक अच्छा स्टेप है और इससे बहुत ही ज़्यादा हमें चेंजेस आने को दिखेंगे इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे को काफ़ी गोपनीय रख करके किया गया है, और जो देश की परिस्थितियां हैं, जब तक उनका अध्ययन ना किया जाए, आंकलन ना किया जाए, ज़्यादातर लोग, ये कृषि पर निर्भर लोग जो हैं, वो आमतौर से बैंकों में पैसा नहीं रखते। जैसे आजकल शादियां हैं, तो वो उनका पैसा जो नंबर एक का पैसा भी नंबर दो में तब्दील ऐसे हो जाता है कि जैसे फसल बेची और जे फार्म कटा, जे फार्म कटने के बाद आड़तियों के पास जो पैसा, दोनों तरह का पैसा होता है, जो ब्लैक मनी भी होती है और वाइट मनी भी होती है, वो ब्लैक मनी को दे देते हैं उसके, वो जे फार्म की परवाह नहीं करता और वो पैसे लेके घर चला जाता है, जबकि वो उसका नंबर एक का पैसा है, लेकिन वो नंबर दो का बन गया। उसके लिए आज ये मुसीबत खड़ी होगी है कि अगर वो शादी में 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लगाता है, तो वो कहाँ से दर्शाएगा? वो नहीं दर्शा पाएगा, ना उसके पास डॉक्यूमेंट है, ना कोई हिसाब है। अधिकतर जनता ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, उसकी वजह से उसका बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन वैसे कुल मिलाकर के स्टेप ठीक है। सबसे पहले इस देश में ये 1954 में हुआ था, जब 1000 रुपये का नोट बंद किया गया था, और उस समय बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं की थी, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी थी और वो ब्लैक मनी की वजह से अपना व्यापार चलाए हुए थे। तो आज ये भी आशंका पैदा होगी कि किसी को ऐसा आशंका बन जाती है कि कोई ऐसा ना करे, उससे भी देश को और सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उसको भी संभाले और सारी परिस्थितियों को संभाले। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो फील्ड है आपका, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में 60 से 70% नंबर दो का पैसा लगा हुआ है, और वो नंबर दो का जो पैसा लगा हुआ है वो मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है। अब वो जो सामान बना है, जो अगेंस्ट बिल नहीं जाता, हम बिल नहीं लेते और हम कोई सामान खरीद लेते हैं, और वो पैसा जो नंबर दो में चला जाता है दुकानदार के पास या मैन्युफैक्चरर के पास, धीरे धीरे उस पैसे का क्या होगा? इसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि आज सुबह से ही मैंने देखा है कि लोग नोट बेच रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि 1000 का नोट दो, हम 800 वापस करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो एक इम्प्रूव करने की जरूरत है। अच्छा फैसला है, पर इससे एक जो वीकनेस और समाज को देख के लगी है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैकल्पिक व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा गया, और जैसा अच्छी तरह से स्पीच देखी गई और सुनी गई है, तो लोग हड़बड़ाहट में हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा, और जबकि ये बड़ी क्लियर सी बात आई है, जिसके पास एक अच्छा और एक नंबर का, एक और दो नंबर क्वेश्चन उठ रहा है, तो एक नंबर का पैसा, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसको डिक्लेरेशन देनी ही है कि मेरा एक नंबर का पैसा है, तो वो वापस बैंक में जा रहा है और बैंक लेगा, क्योंकि आज जैसे हम लोगों ने भी स्कूलों ने फीसें नहीं ली है ड्यू टू दैट रीजन की 500 का और 1000 का नोट, हमें भी ये क्लियर नहीं दिया गया कि आप फीसें लेंगे तो पैसे का लेगा कि नहीं लेगा बैंक। हालांकि उसी की वजह से जो पेरेंट्स थे वो वापस स्कूलों से लौटा दिए गए, लेकिन एक अच्छा फैसला, पर वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम भी हो जाना चाहिए था।
करना है, लेकिन आज के मौके के हालात को देखते हुए पब्लिक की कोई सलाह मशवरा ना करके और ये फैसला एकदम इस प्रकार से लागू कर दिया ताकि ये सारा ही देश चोर है।